अभी ये जो फैक्टर्स हमने देखे, जिसमें हमने अलग अलग हिडन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स देखे हैं, अभी ये जो फायर है तो इसका मेन क्लासिफिकेशन क्या है? तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं, चाहे स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, इंडस्ट्रीज में, ट्रेनिंग्स में, तो उसमें अलग अलग फायर क्लासिफिकेशन बताए जाते हैं। तो अभी हम बेसिक फायर क्लासिफिकेशन भी बताएंगे और उसके अलावा जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स रहते हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से भी मैं बताता हूँ। तो नॉर्मली पहले जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते थे तो उसमें क्लासिफिकेशन जो था ए बी सी डी ई के। अभी कुछ स्टूडेंट्स या इंडस्ट्रियल पर्संस रहेंगे तो उनको मालूम है कि कहीं जगह सिर्फ ए बी सी डी ऐसा ही क्लासिफिकेशन है, यानी कि ये चार ही एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है। कहीं जगह अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ए बी सी डी है और यहाँ पे एफ है, और कहीं जगह एफ की जगह के भी है, और आज की डेट में अगर हम पढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल फायर आपको दिखाई नहीं देता। तो ये इनिशियली अगर आप पढ़ेंगे, कुछ लॉजिकल वहां पे एक्सप्लेनेशन भी यूके ने दिया है, तो यूके के बेसिस पे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है फायर में। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से जो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहता है, सर्किट रहता है, प्लास्टिक मटेरियल रहता है, वो एक्चुअली बर्न होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फायर ऐसा स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होना ही नहीं चाहिए। तो इसी वजह से अभी कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे होते हैं जो है ए बी सी डी और एफ, और कहीं जगह ये एफ की जगह के भी यूज होता है, और कहीं जगह सिर्फ ए बी सी डी क्लासिफिकेशन ही होता है। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर स्पेसिफिक आपने इंडिया की बात की तो वहां पे इंडियन स्टैंडर्ड्स यूज होता है, और अगर पुराना अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड देखेंगे जिसको हमने कहा था IS 2190 2010, तो उस हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन है जिसमें एबीसीडी कहा गया है। तो अब आज की डेट में जो हम फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज कर रहे हैं उस हिसाब से ए क्लास क्या है? तो अभी ये मैं जनरल बात करता हूँ, फिर बाद में आईएस के बारे में बताता हूँ। तो ए क्लास फायर यानी कि जो सॉलिड फ्यूल है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ऊड है, पेपर है, प्लास्टिक है, कोल है, एटसेट्रा। तो सॉलिड फॉर्म में अगर कंबस्टिबल मटेरियल अवेलेबल है तो उसको हम ए क्लास फायर कहेंगे। अगर लिक्विड फॉर्म में मटेरियल अवेलेबल है तो उसको हम पेट्रोल, डीजल, HFO, वैक्स पेंट एटसेट्रा के एग्जाम्पल से पता चलेगा आपको कि जनरली ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ए क्लास सॉलिड फॉर्म में होता है। और सी क्लास की अगर हम बात करेंगे तो ये गैसेस फॉर्म में है, यानी कि LPG, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। और जो डी क्लास है वो एक्चुअली मेटल या फिर कंबस्टिबल मेटल जो रहते हैं वो सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। तो ये ABCD क्लासिफिकेशन नॉर्मली पहले हुआ करता था जो IS 2190 2010 के हिसाब से है। और अभी जो इलेक्ट्रिकल फायर हमने बताया तो ये नॉर्मली अभी कैंसिल हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की वजह से अगर फायर होती है तो उसको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक फायर कहते थे। और जो किचन में फायर के एग्जाम्पल्स थे, इंसिडेंट्स थे, उसको उन्होंने क्लासिफाई अलग से किया था जिसको हम कहेंगे के क्लास। तो ये नॉर्मली पहले केरोसिन यूज होता था और केरोसिन की वजह से यहाँ पे अलग अलग इंसिडेंट हुए थे और वो के क्लास फायर था। आज की डेट में उसको एफ क्लास फायर भी कहा जाता है, लेकिन एफ क्लास फायर ये नए आयर स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया गया है। अभी जो ये क्लासिफिकेशन है ये जनरलाइज मैंने बता दिए है अभी आपको। तो ये फायर क्लासिफिकेशन ए बी सी डी नॉर्मली होता है, कहीं जगह ए बी सी डी के, कहीं जगह ए बी सी डी एफ। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन फायर के हो सकते हैं। अगर अभी हमने जो बात की थी इसको ही अलग से डिवाइड करते हैं और उसमें अगर आप चेक करेंगे तो ये फायर क्लासिफिकेशन अलग है। तो यहाँ पे अगर सी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का भी फायर आ चुका है। तो यहाँ पे ये फायर क्लासिफिकेशन अलग है। नॉर्मली हमने जो बात की थी कि ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल ए क्लास है, फ्लेमेबल लिक्विड जो है वो बी क्लास है, वापस से जो डी मेटल कंबस्टिबल मेटल फायर है, और ये जो कुकिंग के वजह से होता है, केरोसिन की वजह से होता है, या किचन फायर जो होता है वो के क्लास है। अभी यहाँ पे जो मेजर चेंज है ये क्लास का
कि सी फायर जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से जो होता है वो क्लास है। तो यहाँ पे कुछ जगह आपकी बी क्लास में ही लिक्विड और गैसेस कंबाइन हो चुके और कहीं जगह सी में लिक्विड और गैसेस कंबाइन होते हैं। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे, जैसे कि यूएस में क्लासेस अलग है, यूके में क्लासेस अलग है और इंडिया में क्लासेस अलग है, उसमें भी अलग अलग हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से भी क्लासेस अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको एनएफपीए के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखना है तो वो भी क्लासेस अलग अलग है। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि हाई स्टैंडर्ड पहले क्या था, आज के डेट में चेंज क्या हो चुका है, तो वो अभी हम देखते हैं। तो अभी हम आईएस स्टैंडर्ड अगर पहले देखेंगे तो पहले था आईएस 2190 का, तो उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन था फायर का ए बी सी और डी। तो उसमें एक्चुअली पहले जो हमने देखा था ए यानी कि सॉलिड के एग्जांपल्स थे जिसमें वुड पेपर प्लास्टिक वगैरह थे, फिर बी क्लास जो फायर था उसमें लिक्विड कंबस्टिबल मटेरियल थे यानी कि हमने जो बताया कि ऑयल वैक्सेस पेंट्स वगैरह, और जो सी क्लास फायर था वो गैसेस में था जिसमें हमने बताया हाइड्रोजन एसिटिलीन एक्सेट्रा, और जो डी क्लास था वो था कंबस्टिबल मेटल, ये मेटल क्लास है। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे आईएस 2190 2010 के हिसाब से तो ये क्लासिफिकेशन एबीसीडी फॉर्म में है, और यहाँ पे उन्होंने एक नोट भी लिखा था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फायर होते हैं उसके लिए आपको स्पेसिफिक फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये ई क्लास फायर क्लास नहीं बताया, तो उन्होंने सिर्फ एबीसीडी बताया और ई का सिर्फ स्पेसिफिक नोट ही दिया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करेंगे IS 15683 2018 जो अभी 2010 से लेटेस्ट है, तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो इसमें IS का क्लासिफिकेशन फायर का क्लासिफिकेशन अलग दिया है जिसमें हमने पहले जो पढ़ा है ए बी सी डी और यहाँ पे आया है F। तो ये जो F क्लासिफिकेशन है तो ये एडिशनल क्लासिफिकेशन यहाँ पे आया, ये 2018 में चेंज है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये A आपको मालूम है सॉलिड, B आपको मालूम है सी लिक्विड, B लिक्विड और C गैसेस, और जो D है वो मेटल है, और ये जो F स्पेसिफिक दिया है तो ये है कुकिंग अप्लायंसेस की वजह से लगने वाली आग। तो ये यहाँ पे एडिशनल कैटेगरी बताई गई है 2018 के हिसाब से। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे आईएस स्टैंडर्ड के अलावा जो नॉर्मली यूएस में यूज होता है एनएफपीए स्टैंडर्ड, हम बहुत सारी जगह हम पढ़ते हैं अलग अलग कोर्सेस में भी, तो एनएफपीए 10 ये कैटेगरी है यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, तो ये एक एजेंसी है जो फायर क्लासिफिकेशन बताती है, लेकिन इनके हिसाब से क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग है, यहाँ पे ए बी सी डी और के कैटेगरी है, और ये जो कैटेगरीज है ये कैटेगरीज का मतलब भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ए सॉलिड जो है वो सेम है जो यहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर भी बताया था और यहाँ पर भी बताया था। जो बी कैटेगरी है तो ये बी कैटेगरी में आपके कॉम्बिनेशन है थोड़ा, तो यहाँ पे एनएफपीए के बारे में ये बी और सी में थोड़ा सा डिफरेंस है। डी अगर फायर देखेंगे तो वो कंबस्टिबल मेटल ही है, और के जो है वो किचन फायर ही है, तो जहां पे अलग अलग ऑयल्स यूज होते हैं वो प्लांट ऑयल रहो या एनिमल ऑयल्स रहो या फिर जो अप्लायंसेस यूज होते हैं किचन में उसकी वजह से जो आग लगती है, तो यहाँ पे जो एफ कैटेगरी बताई है आईएस के हिसाब से तो यहाँ पे ये के कैटेगरी है, और ये जो डी है ये सेम है यहाँ पे मतलब, लेकिन यहाँ पे जो बी और सी है तो ये बी और सी में थोड़ा सा यहाँ पे अगर हमने कंबाइन किया तो ये थोड़ा सा
डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन में भी बताया है उन्होंने, जैसे कि लिक्विड और गैसेस, और ये बताया है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की वजह से लगने वाली आग। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगराइजेशन एनएफपीए के हिसाब से डिफरेंट है। तो बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है, बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स है जहां पे ये अलग अलग फायर के क्लासिफिकेशन है। तो आपको बेसिकली ये फायर के क्लासिफिकेशन जहां पे आप रहते हैं, जिस कंट्रीज में आप रहे, उसके लेटेस्ट अपडेट आपको मालूम चाहिए और उसी हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो फायर के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स के इक्विपमेंट्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा जो है कॉमन कॉजेस क्या होते हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फायर में। तो हमने अभी जब अभी तक जो फायर के कॉजेस बताए थे वो जनरल कॉजेस थे, अभी यहाँ पे इंडस्ट्रीज में नॉर्मली कॉजेस क्या रहते हैं, तो वो रहता है स्पार्क या फिर हॉट सरफेस, स्पॉन्टेनियस इग्निशन या फिर हजार्डस केमिकल्स और मेटल। तो ये अलग अलग इंडस्ट्री के फायर के लिए अलग अलग सोर्सेस है या फिर रीजंस है। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल कॉजेस के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी एक मेन कॉज है, शॉर्ट सर्किट जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। फिर बैड हाउस कीपिंग है, कंबस्टिबल मटेरियल वहां पे अवेलेबल रहते हैं, स्पार्क अगर वहां पे मिलता था तो वहां पे फायर के चांसेस। उसके अलावा बीडी सिगारेट्स एक रीजन है, हॉट सर्फेसेस, फर्नेसेस, ओवंस या अलग अलग कुछ मेथड्स रहते हैं जहां पे आपको हाई टेम्परेचर पे उसको लेके जाना पड़ता है, तो ये भी हॉट सर्फेसेस एक रीजन है। फ्रिक्शंस में बहुत सारे रीजंस हैं, एक्सेसिव हीट यहाँ पे रिएक्शन के बेसिस पे नॉर्मली होती है, या फिर जो भी आपका टेम्परेचर सेट पॉइंट रहता है उसके अलावा भी हीट अगर आती है तो वो एक्सेसिव हीट हो सकती है। फिर वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन है जहां पे ये जो स्पार्क या इग्निशन के सोर्सेस यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑलरेडी ऑपरेशन भी रहते हैं। उसके अलावा है फ्लेम और कंबशन, फिर सेल्फ इग्निशन भी एक सोर्स हो सकता है। तो कुछ एलिमेंट्स या कुछ केमिकल्स आपके ऐसे भी है कि वो सेल्फ इग्नाइट हो सकते हैं वो पर्टिकुलर एनवायरमेंट में। उसके अलावा है एक्सपोजर क्या है आपका, अगर हाई टेम्परेचर एक्सपोजर है वहां पे ऑलरेडी ऑक्सीजन अवेलेबल है, डायरेक्ट सनलाइट भी अवेलेबल है, तो वहां पे अगर कंबस्टिबल मटेरियल अवेलेबल होता है तो फायर होने के चांसेस। उसके अलावा जो इग्निशन स्पार्क्स है या फिर मैकेनिकल स्पार्क्स है, मोल्टन हॉट सब्सटेंसेस जैसे फाउंड्रीज में अगर आप देखेंगे, स्टील इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो वहां पे मोल्टन सब्सटेंसेस रहते हैं। स्पेशली आप अगर आप स्टील की बात करेंगे तो स्टील बनाते टाइम आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 1200 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है, और उसके बाद में ये मोल्टन मेटल को अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रीजन है जो आपको इजीली दिखाई नहीं देता वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके इंडस्ट्रीज में अलग अलग ऐसे कुछ ऑपरेशंस रहते हैं, आपकी खुद की भी मूवमेंट रहती है, कुछ रिवॉल्यूशनरी मशीनरीज की मूवमेंट रहती है, कहीं पर लोडिंग या अनलोडिंग करते टाइम कुछ मूवमेंट्स होती है। तो जहां जहां पर भी अलग अलग मूवमेंट्स आती है, भले वो आपकी बॉडी मूवमेंट रहो या फिर आपके पर्टिकुलर इक्विपमेंट के पार्ट्स की मूवमेंट रहो, कन्वेयर की मूवमेंट्स रहो, तो वहां पे अलग अलग मूवमेंट की वजह से स्टैटिक चार्जेस डेवलप होने के चांसेस है जिसकी वजह से भी आग लग सकती है। तो ये अलग अलग ओवरऑल कॉजेस है जिसकी वजह से आग लग सकती है। अभी इसके अलावा अगर आग लगती है, आग लग चुकी है या फिर आग लगने के चांसेस है, तो वहां पे उसकी सीवियरिटी कितनी रहेगी। अगर आपका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है तो आप अगर आपके खुद के डिपार्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो आपके डिपार्टमेंट की आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे उसको कंसेप्ट कहते हैं फायर लोड। तो ये फायर लोड कंसेप्ट क्या है कि आपके डिपार्टमेंट में, आपके सेक्शन में कंबस्टिबल मटेरियल कितना अवेलेबल है। फायर लोड यानी कि क्या है, अगर फायर कैच होती है आपके डिपार्टमेंट या सेक्शन में या कंपनी में तो वहां पे फायर का कितना लोड आएगा, तो वो डिसाइड करेगा कंबस्टिबल मटेरियल आपके पास कितना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंबस्टिबल मटेरियल कितना अवेलेबल है वहां पे, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसको आग लग सकती है। उसके अलावा दूसरा एलिमेंट रहता है कि कितने एरिया में ये कंबस्टिबल मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, कितने एरिया में ये कंबस्टिबल मटेरियल अवेलेबल है। और तीसरा एलिमेंट रहता है
कि ये जो कंबस्टिबल मटेरियल है इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो अगर क्वांटिटी कम है लेकिन उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो फायर लोड ज्यादा होगा। अगर क्वांटिटी हायर साइड में लेकिन उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है तो वहां पे उसका ओवरऑल फायर लोड कम होगा। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू भी आपको मालूम चाहिए एग्जैक्टली क्या है, और बाकी की चीजें आप कैलकुलेट वहां पे कर सकते हैं, जैसे कंबस्टिबल मटेरियल और एरिया। तो क्वांटिटी आपको पता रहती है, वो चाहे अगर सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो केजी फॉर्म में आएगी, अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो लीटर सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में आ सकती है, और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके आप केजी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये क्यों करना है, क्योंकि आपको कैलोरीफिक वैल्यू जो नॉर्मली रहेगी वो जूल्स पर केजी के हो सकती है या फिर किलो जूल्स पर केजी के हो सकती है, और यही एडजस्टमेंट आपको देखना है। तो फायर लोड क्या है, तो ये है एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ मटेरियल इन बिल्डिंग पर स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया। तो आपका जो बिल्डिंग है, आपका जो सेक्शन है, डिपार्टमेंट है, उसका एरिया क्या है और वो एरिया में कंबस्टिबल मटेरियल की क्वांटिटी क्या है, ये मेन आपको फायर लोड देखना है। ठीक है, तो अगर आपने बता दिया कि यहाँ पे 1000 kg ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल है पर 60 square meter, तो अभी जहां पे मैं बैठा हूं वहां पे 72 square meter एरिया है, अगर वहां पे हम फायर लोड कैलकुलेट करेंगे तो 500 kg आएगा, और फिर हम देखते हैं कि ये 500 kg में एक्चुअली वुडन पार्ट कितना है, प्लास्टिक पार्ट कितना है, केमिकल कंपोनेंट्स कितने हैं, रबर कितना है, ये अलग अलग मटेरियल की आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उस हिसाब से फिर उसका ओवरऑल फायर लोड आपको कैलकुलेट करना आएगा। तो ये एक्चुअली जो हीट आपको देखने, क्योंकि हम फायर के बारे में बात करें तो हमने पहले फायर का डेफिनेशन देखा था, तो यहाँ पे ये हीट में कन्वर्ट होने वाला है, स्मोक में कन्वर्ट होने वाला है और लाइट में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हीट की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होता है और फैटलिटीज जो होती है वो स्मोक की वजह से होती है, यानी कि ऑक्सीजन कट ऑफ होता है और स्मोक की वजह से उसकी वजह से फैटलिटीज होती है। तो ये हीट कितना जनरेट होता है ये भी आपको कैलकुलेट करना है। तो कितना हीट रिलीज होता है पर स्क्वायर मीटर एरिया आपके प्रीमाइसिस में, तो ये भी आपको देखना है फायर लोड के अंदर। तो इसमें ये क्यों करना है आपको फायर लोड के कैलकुलेशंस, क्योंकि ये फायर लोड के कैलकुलेशंस के बेसिस पे आपके पास वाटर कितना अवेलेबल होना चाहिए आपकी इंडस्ट्री में, वो आपको कैलकुलेशंस करने हैं, जिसको हम कहेंगे क्वेंचिंग ऑफ फायर, यानी कि ये आग बुझाने के लिए आपके पास कितना वाटर होना चाहिए। तो ये ऐसे आप कोई भी जजमेंट से आप नहीं बता सकते, तो उसके लिए आपको फायर लोड कैलकुलेट करना चाहिए। फायर लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले मालूम चाहिए कि कंबस्टिबल मटेरियल की क्वांटिटी क्या है, उसके बाद में आपको मालूम चाहिए कि आपका फ्लोर एरिया क्या है, और उसके बाद में मालूम होना चाहिए कि इसमें से कितनी हीट इवॉल्व हो सकती है, यानी कि जो हमने बात की थी कैलोरीफिक वैल्यू की, तो ये आपको कैलोरीफिक वैल्यू उसकी मालूम होनी चाहिए वो सब्सटेंस की। अगर ये बातें आपको मालूम है उस हिसाब से फायर लोड कैलकुलेट कर सकते हैं आप, और ये फायर लोड के हिसाब से आपका वाटर का रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाएगा, और जितना मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे कैलकुलेटेड होती है तो नॉर्मली उसके 1.5 मल्टीपल में वाटर अवेलेबल होता है इंडस्ट्रीज में, या फिर आइडियली उसकी रिक्वायरमेंट वैसी होनी चाहिए। तो इसके बारे में अभी हम फॉर्मूला बेसिस पे बात करेंगे, फायर लोड कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है जिसमें बताया गया है कि कंबस्टिबल्स इन केजी, तो जो भी कंबस्टिबल मटेरियल थे ये है केजी में किलोग्राम्स, और ये जो अभी अभी ने बात की कैलोरीफिक वैल्यू, तो इसका यूनिट है किलो कैलोरीज पर केजी, किलो जूल्स में भी हो सकता है, जूल्स में भी हो सकता है, कैलोरीज में भी हो सकता है, फिलहाल हम किलो कैलोरीज पर केजी यूज कर रहे हैं। और ये जो फ्लोर एरिया है ये रहता है मीटर स्क्वायर में या स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये केजी और ये केजी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो फायर लोड है इसका यूनिट आ जाएगा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो हमको ये कंबस्टिबल मटेरियल और कैलोरीफिक वैल्यू से पता चलेगा कि इतने मीटर स्क्वायर में इतना किलो कैलोरी हीट जनरेट हो सकता है, और इतने किलो कैलोरीज के लिए आपको इतना सारा
पानी यूज करना पड़ेगा। तो ये फायर लोड और इसके बेसिस पे क्वेंचिंग ऑफ फायर के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके खुद के डिपार्टमेंट, खुद के कंपनी या फैक्ट्री के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप खुद फायर लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको सिर्फ आपको मालूम होनी चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू, बाकी क्वांटिटी और एरिया आपको इजीली मालूम हो सकता है। तो यहाँ पे एक सिंपल बात कही है, 1 cc ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्स 1 calorie ऑफ हीट व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 1 degree Celsius। अगर यहाँ पे ये जो हीट क्रिएट हो रही है उसकी वजह से अगर 1 degree Celsius से टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पे 1 calorie ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने के लिए 1 cm³ ऑफ वाटर आपको लगेगा। तो ये बेसिक फंडा यहाँ पे दिया है जिसके बेसिस पे आपका वाटर का रिक्वायरमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे बता दिया कि 1 degree Celsius से टेम्परेचर बढ़ रहा है और 1000 kcal यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है तो ये भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोपोर्शनल बेसिस पे। अगर ये टेम्परेचर भी जो प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, कैलोरीज भी उस हिसाब से बढ़ेगी, उसी हिसाब से वाटर के रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। तो ये फायर लोड जो कंसेप्ट है ये बेसिकली यूके बेस या ब्रिटिश बेस है, इसीलिए इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है, जिसको हम कहेंगे लो, मॉडरेट और हायर फायर लोड। तो लो फायर लोड यानी कि क्या, जब फायर लोड 1 lakh ब्रिटिश थर्मल यूनिट से लेस होता है तब इसको लो फायर लोड कहा जाता है। अगर ये फायर लोड 1 to 2 lakh के बीच में ब्रिटिश थर्मल यूनिट में रहेगा तो उसको मॉडरेट कहा जाता है। अगर मोर देन 2 lakh ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसका फायर लोड आता है तो उसको हायर फायर लोड कहते हैं। तो ये फायर लोड के बेसिक क्लासिफिकेशन है ब्रिटिश या यूके बेसिस पे। तो ये फायर लोड कंसेप्ट है फायर ओरिएंटेड। अभी इसके अलावा जो फायर सेफ्टी में एलिमेंट्स है वो है डिजाइन। क्योंकि आपके इंडस्ट्री या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में या मॉल्स में या रेजिडेंस में जो बिल्डिंग मटेरियल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मालूम है कि आपके इंडस्ट्री में या कॉम्प्लेक्स में आग लगने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि हम कम्बस्टिबल मटेरियल यूज कर रहे हैं या फिर यहाँ पे स्पार्क या फिर इग्निशन के सोर्सेस अवेलेबल है और ऑक्सीजन और एयर तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही, तो वहां पे आपको फिर ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका फायर रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और उसी हिसाब से आपको वो बिल्डिंग मटेरियल आपने यूज करना चाहिए। तो जो भी आप अलग अलग मटेरियल यूज करते होंगे या फिर पेंट्स यूज करते होंगे तो वहां पे आपको फायर रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। तो मटेरियल्स और पेंट्स के स्पेशली तो फायर रेजिस्टेंस मटेरियल आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो उसमें अलग अलग मटेरियल्स रहते हैं। जनरल क्लासिफिकेशन जो है वो नॉन फ्लेमेबल है, हार्डली फ्लेमेबल है और फ्लेमेबल है। नॉन फ्लेमेबल यानी क्या, फायर कैच ही नहीं होगी उसको। तो जैसे अगर आपने मेटल यूज किया, ब्रिक्स यूज किया, क्ले यूज किया, एस्बेस्टोस यूज किया और कॉन्क्रीट यूज किया, बाकी फिर आपने पेंट वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया तो यहाँ पे आग लगने के चांसेस ही नहीं है। अगर आपने कुछ मटेरियल यूज किया है जैसे कि स्ट्रॉ ब्रिक है या फिर ड्राई जिप्सम है या फिर प्लास्टर है, जैसे कि नॉर्मली अभी हम POP यूज करते हैं इसके बिल्डिंग्स में, तो ये अलग अलग यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे ये फायर कैच करेंगी, यहाँ पे आग लगेगी, लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं है आग लगना या फिर फायर कैच करना। ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा क्योंकि वो मटेरियल का प्रॉपर्टी ऐसा है तो वो इजीली कैच नहीं करेगा फायर। ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट जब इवॉल्व होगी तभी वो फ्लेमेबल सब्सटेंस बन जाता है। उसके अलावा जो है फ्लेमेबल सब्सटेंस, जैसे अभी हमने बात की ऑर्गेनिक ओरिजिन वाले सभी केसेस जो है वुड, कार्डबोर्ड, रबर्स, प्लास्टिक एटसेट्रा। अगर नॉर्मली इंडस्ट्रीज में देखेंगे या कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में देखेंगे, कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे, रेसिडेंस में देखेंगे तो ये सभी फ्लेमेबल सब्सटेंसेस अवेलेबल रहते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे अलग अलग ध्यान देना है। अगर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस आपके पास ज्यादा है, इग्निशन सोर्सेस के चांसेस ज्यादा है तो आपको ये नॉन फ्लेमेबल या हार्डली फ्लेमेबल मटेरियल यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से अगर फायर भी कैच होता है तो उसके लॉसेस कम हो जाएंगे। तो ये कंट्रोल करने के लिए आपको डिजाइन पे ध्यान देना है फायर सेफ्टी का फाइनलाइजेशन करने के पहले। उसके अलावा जो है हमने बात कही थी कि ये फायर रेजिस्टेंस का अलग अलग मटेरियल्स है तो उसका स्ट्रेंथ भी आपको चेक करना चाहिए।
कि वो कितना विथस्टैंड होता है, जिसको हम कहते हैं फायर रेजिस्टेंस या फ्लेम रेजिस्टेंस, यानी कि आग लगने के बाद वो बिल्डिंग का जो वॉल रहेगा या जो भी मटेरियल रहेगा, पार्टीशन रहेगा, वो कितने टाइम तक वहां पे खड़ा रहेगा। तो जब तक वो विथस्टैंड कर पाता है वो जो टाइम है उसको हम कहते हैं फायर रेजिस्टेंस। तो ये नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ टाइम में बताया जाता है। जैसे कि फायर ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स को ये कैलकुलेशंस और ये जजमेंट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको मालूम रहता है कि ये पार्टीशन का थिकनेस इतना ही है और इतने कम थिकनेस में ये फ्लेमेबल मटेरियल इसमें यूज किया है तो ये 10 मिनट या 15 मिनट में, 20 मिनट में ये कोलैप्स होने वाला है। तो उस हिसाब से उनको फायर फाइटिंग की स्टेप्स जजमेंट लेना पड़ता है। अगर आपके जो वॉल्स है वो कॉन्क्रीट या ब्रिक्स और उसमें अगर ज्यादा पेंटिंग्स नहीं है, सॉल्वेंट्स नहीं है, ज्यादा कंबस्टिबल मटेरियल्स नहीं है, तो उनको पता चलता है कि इसका विथस्टैंड टाइम जो है वो ज्यादा रहेगा, उस हिसाब से आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो फायर फाइटिंग करते टाइम आपको ये फायर रेजिस्टेंसेस या फ्लेम रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप अलग अलग स्टेप्स चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ जो बेसिक्स हमने पहले पढ़े थे वो बेसिक्स ऐसे है कि अगर आपका 12 सेंटीमीटर थिक वॉल है तो वो विथस्टैंड करेगा फायर को 2.5 आवर्स, और यही वॉल अगर आपका 25 सेंटीमीटर थिक है तो वो विथस्टैंड करेगा 5.5 आवर्स। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, ऐसे कुछ कैलकुलेशंस है, और कुछ अलग अलग मटेरियल्स और अलग अलग थिकनेसेस के लिए आपको ये स्टडी करना पड़ेगा, स्पेशली आपके इंडस्ट्री के लिए कि आपकी इंडस्ट्री का जो वॉल है उसका थिकनेस क्या है, उसका मटेरियल क्या है, और उस हिसाब से वो कितना विथस्टैंड कर पाएगा। तो इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स भी है, और अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए इसके बारे में तो आप अलग अलग IS रेफर कर सकते हैं, जैसे IS 1642A, 3079, 3594, 3802, 6329। तो इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन है, स्पेशली फायर रेजिस्टेंस या फ्लेम रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये आपको फायर फाइटिंग के टाइम में काम आ सकता है ये जजमेंट। अभी ये जो हमने बात की थी कि ये डिजाइन के टाइम आपको बिल्डिंग मटेरियल और उसके फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज और फायर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम ये कैलकुलेशंस मालूम होनी चाहिए। अभी ये जो फायर रेजिस्टेंस बैरियर है जो अभी हमने बात की थी, अगर उसकी थिकनेस ज्यादा है तो ज्यादा विथस्टैंड करेगा, तो ये बैरियर्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर बैरियर्स फायर रेजिस्टेंस मटेरियल से ही बनते हैं तो ऑब्वियसली उसका विथस्टैंड टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और फिर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग जोन्स में। जैसे अगर वहां पे आपने नॉन फ्लेमेबल मटेरियल्स का स्पेसिफिक मटेरियल यूज किया है तो ये सेपरेट जोन हो जाएगा, और वहां पे अगर आपका हार्डली फ्लेमेबल सब्सटेंस मटेरियल यूज किया है तो वो जोन अलग हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे भी आप फायर फाइटिंग थोड़ा सिंपल कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका इंडस्ट्री का साइट है या लोकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आजू बाजू में आपके रेसिडेंस है या फिर हॉस्पिटल, स्कूल जैसे कम्युनिटीज है तो वहां से उनको भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपका इंडस्ट्री का लोकेशन क्या है और उसी हिसाब से आपको वर्कआउट करना है। जैसे अगर हम लोकल की बात करेंगे, अगर हमने बताया कि अंबड़ इंडस्ट्री में या सातपुर इंडस्ट्रीज में आग लगी है तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा कि सातपुर में, सातपुर MIDC के आजू बाजू में कॉलोनीज है, रोड है, हाईवेज है, और उसकी वजह से उस पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये आपको जो लोकल ऑफिसर्स रहते हैं, स्पेशली जो अथॉरिटीज रहती है जैसे कि पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिस्टम्स है, या फायर फाइटिंग ऑफिसर्स है, या फिर डिश ऑफिसर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ, ये सभी लोगों को इसकी जानकारी रहती है। तो इसीलिए साइट या लोकेशन जब वो फाइनलाइज करते हैं या अप्रूवल करते हैं तो उसको ये पहले ध्यान में रखते हैं कि इसकी वजह से अगर प्रॉब्लम होता है, अगर फायर कैच होती है, एक्सप्लोजन होता है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जा सकता है। तो इसको हम पेरिफेरी कहती है, तो ये पेरिफेरी कहाँ तक हो सकती है इसको ध्यान में रखते हुए वो अप्रूवल हो जाता है। उसके अलावा जो प्लांट है आपका उसका लेआउट क्या है, अगर आपको लेआउट 100% मालूम है तो आप अलग अलग लोकेशन पे या सेफ लोकेशन पे आप जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टैंडर्ड लेआउट देखेंगे तो उसमें एंट्री गेट अलग होता है, एग्जिट गेट अलग होता है, जो आपका प्रोसेस प्लांट रहता है वो सेंटर में ही रहता है,
एडमिनिस्ट्रेटिंग बिल्डिंग जो रहती है वो बहुत डिस्टेंस पे रहती है, उसके अलावा उसमें रोड्स रहते हैं या फिर ट्री प्लांटेशन रहता है, तो बहुत सारे अलग अलग एब्स्ट्रैक्शन रहते हैं। अगर आपका सेंट्रल प्रोसेस प्लांट में ही कुछ आग लगती है, फायर कैच होता है, तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट आपके एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में या अलग अलग स्टोरेज जो आपके कंपार्टमेंट से उस पे, या फिर जहां पे लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटीज होती है, ट्रक टर्मिनल्स होते हैं, वहां पे नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो आग जो है वो आपको लोकल लेवल पे ही कंट्रोल करते आना चाहिए। उस हिसाब से आपको ये लेआउट फाइनलाइज करना चाहिए, और ये ऑलरेडी लेआउट फाइनल हो चुका है तो आपको ये लेआउट कम्प्लीटली मालूम होना चाहिए। उसके अलावा है जो भी आपके अलग अलग कंस्ट्रक्शंस के पॉइंट्स है, डिजाइन के पॉइंट्स है, जैसे हमने बात की थी कि आपके स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है या नहीं, जैसे कि हमने कंक्रीट ब्रिक्स के बारे में बात की, अगर आपके वैसे है तो इजीली फायर कैच नहीं होगी, अगर फायर कैच भी होती है तो विथस्टैंड टाइम या फायर रेजिस्टेंस टाइम वहां पे ज्यादा रहेगा, या फिर आपके मेटेलिक स्ट्रक्चर है तो वहां पे भी इजिली आग नहीं लगेगी, अगर फायर कैच होती है तो कुछ थाउजेंड्स ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जाता है तभी वो मेटल पे इम्पैक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो आपके अलग अलग प्लांट में ऑपरेशन है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, अगर वहां पे ऐसे कुछ ऑपरेशन है जिसकी वजह से फायर स्प्रेड हो सकती है तो वो ऑपरेशन आपको स्टॉप करना पड़ेगा, और फिर जो प्लांट का मेंटेनेंस है वो रेगुलर बेसिस पे अगर आप करते होंगे तो फायर के चांसेस कम हो जाएंगे, और यहाँ पे ओवरऑल का जो फायर का इम्पैक्ट है या फिर लॉसेस है वो भी आप कम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पॉइंट्स के बारे में आपको सोचना पड़ेगा जिसको हम फायर सेफ्टी पॉइंट्स कहेंगे, स्पेशली आप जब बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। अगर इसके भी आपको डिटेल चाहिए तो उसके लिए भी अलग अलग आईएस कोड आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। तो आईएस स्टैंडर्ड्स में डिटेल्स में दिया है ये सब, हम अभी शॉर्ट में बात कर रहे हैं। अभी जनरल कंट्रोलिंग मेजर्स क्या है फायर के लिए, तो उसमें जो मेजर है कि आपको स्टार्टिंग में ही इनिशियली अगर ये फायर डिटेक्ट होता है तो आपको कंट्रोल करना इजी है। तो ये डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन इज द की में, तो ये अर्ली डिटेक्शन अगर आपको पता हुआ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो फायर एक्सटिंग्विशमेंट फास्ट हो जाएगा, एक्शन फास्ट हो सकती है। तो इसको कन्फाइन करना ही आपको है, एक्सटिंग्विश ही करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और जहां पे आपको चांसेस है आइसोलेट कर सकते हैं आप कंबस्टिबल मटेरियल, यानी कि स्टारवेशन मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर ब्लैंकेटिंग मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर कूलिंग मेथड यूज कर सकते हैं, जो भी मेथड होगी एक्सटिंग्विशमेंट की, आपको वो लोकेशन से या जो फायर का टाइप है, क्लासिफिकेशन है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है, और उसके बेसिस पे अप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर आपको चॉइस करना है, और उसके बाद में ही आपको ये फायर एक्सटिंग्विश करनी है। जनरली जब स्मॉल फायर्स होते हैं तो ये फायर एक्सटिंग्विशर का स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन और सिलेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन जब लार्ज स्केल पे फायर हो जाती है तो नॉर्मली उसमें वाटर ही यूज किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपके जजमेंट्स क्या है, और आपका फायर का मेन सीवियरिटी क्या है, उस हिसाब से आपको स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो इसमें सिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो फायर प्रिवेंशन और रिडक्शन कर पाते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स में है फायर प्रिवेंशन इंजीनियरिंग, यानी कि आपको फायर कैच होने के पहले ही उसको प्रिवेंट करना है, उसके लिए अगर आपको स्टेप्स लेने हैं तो उसको हम फायर प्रिवेंशन इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर आपको रेगुलर पीरियडिक इंस्पेक्शन पॉसिबल है तो पीरियडिक रेगुलर इंस्पेक्शन आप कर पाते हैं, उसकी वजह से भी आपको जो हमने पहले ही कहा था अर्ली डिटेक्शन इज द की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंस्पेक्शन की वजह से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फायर कैच हो चुके हैं, और फिर आप उसको इजीली एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। प्रिवेंट द स्टार्ट ऑफ फायर, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि वेल्डिंग एक्टिविटी चल रही है या फिर यहाँ पे फॉसाइल फ्यूल्स या कंबस्टिबल फ्यूल्स अवेलेबल है, तो ये फायर स्टार्ट होने के पहले ही आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आपका सुपरविजन या इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन में ऐसा कुछ आ चुका है। इसके अलावा जो है अर्ली डिटेक्शन की वजह से आपका एक्सटिंग्विशिंग मेथड थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। फिर जो फायर कैच होने के बाद उसका जो स्प्रेड अप रहता है, क्योंकि नॉर्मली फायर कैच होना बहुत बड़ी बात नहीं है इंडस्ट्रीज में, लेकिन उसका स्प्रेड अप की वजह से फैटलिटीज के चांसेस और जो मटेरियल लॉस है उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो डैमेज है ये डैमेज आप बचा सकते हैं स्प्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए, तो ये स्प्रेडिंग के लिए आपको
अलग अलग टेक्निक्स आपको यूज करना पड़ेगा, वो डिपेंड है उस लोकेशन पे वो एग्जैक्ट फायर का क्लास क्या है। फिर उसके बाद में जो पर्सनल इंजुरीज है, जो नॉर्मली बर्निंग के केसेस रहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप इनिशियल लेवल पे आप एकदम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में या क्लोज कॉन्टेक्ट में है जहां पे फायर कैच हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस आपके 50% प्लस बर्निंग के रहते हैं। अगर आप थोड़ा दूर है तो आपके 10-20% बर्निंग के चांसेस रहते हैं जो कंट्रोल लेवल है। लेकिन जैसे ही वो 50% प्लस केस बढ़ जाता है तो वहां पे वो सीवियर बर्निंग केस हो जाती है। तो इसकी वजह से ये अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन फायर कैच होने के बाद आपको ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक होने के बाद आपका जो नॉलेज है वो जीरो हो जाता है। तो आपके पास नॉलेज है, आपका फायर क्लासिफिकेशन क्या है, आपको इंडस्ट्री मालूम है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको मालूम है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ पे रखे हैं, उसको यूज कैसे करना है, लेकिन ये सभी बातें जीरो हो सकती है अगर आप पैनिक होते हैं। जैसे कि अगर आपने फायर देख लिया और आपको मालूम है कि ये स्मॉल फायर है और ये स्मॉल फायर को हम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पैनिक होने की वजह से अगर आप वहां से भागे और किसी को जल्दी बताया नहीं तो वो फायर स्प्रेड हो जाएगी और फिर वो अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में जा सकता है, जिसको हम कहते हैं इवैक्यूएशन, यानी कि वो सभी पर्संस वहां से आपको इवैक्यूएट करने पड़ेंगे, वहां से निकालना पड़ेगा। तो वहां पे फिर इवैक्यूएशन ड्रिल हो जाएगी और वो असेंबली पॉइंट पे वो सब जमा हो जाएंगे। तो अगर इनिशियली आपको पता चले कि यहाँ पे फायर कैच हो चुका है, ये कंट्रोलेबल फायर है, स्मॉल फायर है, इसकी रीजन भी क्या है या फिर कॉज क्या है, और इसका फायर एक्सटिंग्विशर आपको कौन सा यूज करना चाहिए, ये फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे रखा है, और ये मैं कुछ सेकंड्स या मिनट्स में भी फायर एक्सटिंग्विश कर सकता हूँ, अगर ये कॉन्फिडेंस है आपको, ये नॉलेज है, तो ये फायर आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना, यही सबसे मेन बात रहेगी। अभी ये जो अलग अलग प्रिंसिपल्स है आप इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो बेसिक्स हमने सबसे पहले प्रिंसिपल्स मेथड बताया है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल मेथड से अगर हम देखेंगे, जिसको हम फंडामेंटल मेथड्स कहते हैं फायर केमिस्ट्री के बेसिस पे, जिसको हमने बताया था अलग टेक्निक से, जिसको हम फायर ट्रायंगल या फायर टेट्राहेड्रन कहते हैं। तो फायर ट्रायंगल के हिसाब से हमने बताया था कि यहाँ पे जो हीट एलिमेंट है उसको रिमूव करो, या फिर ऑक्सीजन एलिमेंट है उसको रिमूव करो, या फिर जो फ्यूल है उसको रिमूव करो। तो अगर आप हीट रिमूव करते हैं तो यहाँ पे ये कूलिंग मेथड बन जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन कट ऑफ करते हैं तो यहाँ पे ये स्मूदरिंग मेथड बन जाता है, और यहाँ पे आप फ्यूल कट ऑफ करते हैं तो यहाँ पे ये स्टारवेशन मेथड बन जाता है। तो ये ऑक्सीजन कट ऑफ करना, फ्यूल कट ऑफ करना, या टेम्परेचर रिड्यूस करना यानी कि हीट रिमूव करना, ये तीन बेसिक मेथड है। उसके अलावा जो हमने एलिमेंट ऐड किया था यहाँ पे चेन रिएक्शन, तो अगर ये चेन ब्रेक करते हैं आप तो ये भी फायर टेट्राहेड्रन से भी आप फंडामेंटल मेथड से भी फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग फायर केमिस्ट्री के बेसिस पे भी फंडामेंटल मेथड से फायर प्रिवेंट करने के लिए। तो फायर प्रिवेंट करने के लिए हमने जो मेथड स्टडी किया तो उसमें अलग अलग एक्टिविटीज क्या है, तो इसमें है फायर इंस्पेक्शन मेथड, उसके अलावा हॉट वर्क परमिट से, फायर ब्रिगेड और ड्रिल से, उसके अलावा फायर रिटार्डेंट ट्रीटमेंट से, कम्युनिकेशन से, और प्रोटेक्टिंग नियर बाय बिल्डिंग्स और असेसमेंट ऑफ फायर रिस्क। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व होना होगा, उसके लिए पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप ट्रेन होते हैं, आपने खुद ने मॉक ड्रिल किया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा और फिर ये एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। नहीं तो ये नॉर्मली उसके लिए फायर टीम अलग रहती है या फायर ऑफिसर्स टीम अलग रहती है, फायर डिपार्टमेंट अलग रहता है, और उनके यहाँ पे अलग अलग जो ड्रिल्स रहती है वो चाहे फायर एक्सटिंग्विशर बेसिक पोर्टेबल या फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर टेंडर सिस्टम्स, ये अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग ड्रिल्स और उसका नॉलेज अपडेट होते रहता है, तो वो भी वहाँ पे काम कर सकते हैं सबसे मेन। और उसके अलावा अगर कोई सेफ्टी ऑफिसर या कोई पर्सन जो इंटरेस्टेड है ये फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स के लिए एक्टिविटीज में लिए तो वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, और जब रियल में फायर कैच होती है
तो ये पर्सन आपके काम में आ सकता है। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पे होती है।